हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन आईक्यू। तो डेली के हम लोग जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग करते हैं हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के, उनको स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोटबुक ले लो अपने साथ और जो भी मैं वर्ड मीनिंग्स लिखवा रही हूँ इनको लिखना स्टार्ट कर दो। ये सारे वर्ड मीनिंग आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से ये वर्ड मीनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग उनको निकाला हुआ है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग है एबनीगेट। एबनीगेट का मतलब होता है रिफ्यूज़ या फिर रिजेक्ट, किसी चीज़ को अस्वीकारना, उसको हम बोलते हैं एबनीगेट। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो है कन्वीवियल। कन्वीवियल का मतलब होता है इंजॉयबल एटमॉस्फेयर, यानी कि कोई आनंदमय या फिर खुशनुमा हमारा एटमॉस्फेयर हो उसको हम बोलते हैं कन्वीवियल। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है इस्केप फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से बच निकलना, उसको हम बोलते हैं इल्यूड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो है बुलिश। बुलिश का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग ए राइज इन प्राइसेस, किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ना, स्पेशली शेयर प्राइसेस। अगर हम बिजनेस की बात करें उसमें शेयर्स के प्राइसेस वगैरह का राइज होना, तेज़ी से बढ़ना, उसको हम बोलते हैं बुलिश। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फिफ्थ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है मूव क्विकली, मूव हरीडली, यानी कि कहीं पर आप लोग आगे बढ़ना, तेज़ी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना या शीना झपटी करना, उसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बल। तो ये थे हमारे आज के 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर देना और टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। और आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इन वर्ड मीनिंग को जो है शेयर किया हुआ है। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी एजुकेशन आईक्यू के नाम पे। थैंक यू।